हेलो एवरीवन वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन तो इस वीडियो में मैं आपसे जो रिक्रूटमेंट शेयर करने वाला हूँ वो है आईआरईएल लिमिटेड के अंडर जो एक रिक्रूटमेंट जारी किया है इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड ने जो एक रिक्रूटमेंट जारी किया है उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा कितनी वैकेंसी है अप्लाई कैसे करना है सबसे इम्पोर्टेंट उसके लिंक भी शेयर कर दूंगा लास्ट में और क्या क्या क्वालिफिकेशन जरूरी है सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा सबसे पहले तो ये बता दू रफली आठ पोस्ट के लिए यहाँ पे लगभग 92 वैकेंसी है कुछ टेक्निकल पोस्ट के लिए है कुछ नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए है तो यस स्टे ट्यून विद द वीडियो लास्ट में आपसे मैं सारे लिंक भी शेयर कर दूंगा तो so, सबसे पहले चलते इसके मेन एडवर्टाइजमेंट की और उससे पहले आपको ये बता दू सत्रह तारीख से फॉर्म फिलअप करना शुरू हो चुका है कहां से फिल करना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा और सात जुलाई इसका जो है लास्ट डेट है तो अच्छे खासे मेरे ख्याल से 20 दिन 20 -20 दिन आपको आपको पे फॉर्म फिलिंग के लिए आपको मिलेंगे डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट अब तक अनाउंस नहीं हुआ है जब हो जाएगा ये चैनल पे आप बने रहिए तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो मिल जाएगा इस बारे में तो चलते मेन नोटिफिकेशन की तरफ तो यस सात तारीख लास्ट डेट बात करेंगे पोस्ट के बारे में सो अन यूनियनाइज सुपरवाइजरी कैटेगरी के अंडर जो यहाँ पे है पीसी थ्री तक तीन पोस्ट है पीसी वन जो है ग्रेजुएट ट्रेनिंग फाइनेंस जिसमें सात वैकेंसी बाकी आपके कैटेगरी के साथ आप चेक कर सकते हो ग्रेजुएट ट्रेनिंग एच का जो है यहाँ पे पांच वैकेंसी है और डिप्लोमा ट्रेनिंग 19 वैकेंसी है जिसमें आपका डिप्लोमा जो है माइनिंग केमिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ये सारे स्ट्रीम्स के लिए वैकेंसी है मिक्स वैकेंसीज पे बताई है उसके बाद में स्टाइपन ड्यूरिंग पीरियड ऑफ ट्रेनिंग यानी जब आपको ट्रेनिंग मिलेगा तो उस टाइम पे आपको थर्टी थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी रुपीज का जो है स्टाइपन दिया जाएगा प्लस एच आर ए कंपनी अकोमोडेशन एज एप्लीकेबल तो ये बहुत अच्छी बात है और कंप्लीशन आपका ट्रेनिंग हो जाएगा तो आपको स्केल ऑफ पे एस वन ग्रेड के हिसाब से आपको मिलेगा बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी छब्बीस साल यहाँ पे आपका एज लिमिट रहेगा ओके okay, PC4 फोर एंड पीसी फाइव के बारे में बात करेंगे तो है आपका PC4 फोर जूनियर सुपरवाइजर राजभाषा उसके लिए तीन वैकेंसी स्केल ऑफ पे यहाँ पे बताया हुआ एस वन ग्रेड के साथ थर्टी ईयर आपका मैक्सिमम एज पर्सनल सेक्रेटरी पीसी फाइव जिसमें आपके दो पोस्ट है अगेन आपको सेम यहाँ पे सो बिसाइड्स बेसिक पे कैंडिडेट्स अपॉइंटेड इन अबाउ पोस्ट पीसी फोर एंड पीसी पेड इंडस्ट्रियल डियरनेस, यानी कि डीए मिलेगा एच आर ए कंपनी अकोमोडेशन एज एप्लीकेबल अलाउंसेस एज एप्लीकेबल तो सारी चीजें पी एफ ग्रेजुएटी सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी बात करेंगे नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी की जो तीन बचे हुए पोस्ट है उसके बारे में सो यहाँ पे पहला जो है पीसी सिक्स ट्रेडमैन ट्रेन यानी कि आई के लिए वैकेंसी 28 वैकेंसी अच्छी खासी जिसमें आपके ट्रेड जो है वो फिटर इलेक्ट्रिशियन अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ये सारे ट्रेड्स के लिए है उसके बाद में फिटर इलेक्ट्रिशियन जो वैकेंसी है पीसी सेवन उसके लिए चौदह वैकेंसी है और पीसी एट यानी कि फिटर या फिर इलेक्ट्रिशियन यहाँ पे चौदह वैकेंसी है आपको यहाँ पे कंसोलिडेटेड सैलरी जो स्टाइपन के साथ ट्रेनिंग में मिलेगा वो होगा इक्कीस हजार 35 फाइव यहाँ पे मैक्सिमम एज है और W3 थ्री ग्रेड के हिसाब से आपको स्केल ऑफ पे आफ्टर कंप्लीशन ट्रेनिंग आपको ये मिलेगा 22,000 से लेकर 28,000 तक यहाँ पे स्केल ऑफ पे है तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है परमानेंट पोस्ट जैसी वैकेंसी है ओके सो कैंडिडेट हु फुलफिल ऑल द एडवर्टाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल हैव टू गो नॉर्मल प्रोसीजर ऑफ सबमिशन ऑनलाइन बराबर आपको फॉर्म सबमिट for करना है ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी नहीं करना है पेमेंट ऑफ फी उसके बाद में आपको सीबीटी मतलब आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा पीबीटी एज एप्लीकेबल अगर होता है तो एज प्रिस्क्राइब फॉर अदर कैंडिडेट्स इन एडिशन कैंडिडेट्स अप्लाइंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन यस अप्लाइंग अंडर दिस कैटेगरी विल बी विल हैव टू प्रोवाइड द डिटेल्स अबाउट द डिस एम्प्लॉय इन एप्लीकेशन फॉर्म तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है बात करेंगे अभी क्वालिफिकेशन की जो सबसे इंपॉर्टेंट है सो so, ग्रेजुएट ट्रेनी फाइनेंस के लिए सी ए इंटरमीडिएट या फिर सी एम ए इंटरमीडिएट या फिर ग्रेजुएट इन कॉमर्स यानी कि बी कॉम भी चलेगा ओके इन फॉर कैंडिडेट और 60 आपका ऑर्डर के लिए चाहिए वही ग्रेजुएट ट्रेनिंग एच आर का परसेंटेज वही रहेगा लेकिन आपका यहाँ पे सिर्फ ग्रेजुएट होना चाहिए डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए जो भी स्ट्रीम्स यहाँ पे बताए हैं जैसे कि माइनिंग केमिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इन सारे स्ट्रीम्स में से आपका अगर कोई डिप्लोमा हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं एग्रीकेट ध्यान रखना के के लिए 60 aggregate. Aggregate मतलब आपके सारे साल के मिला के आपको यहाँ पे एवरेज निकालना है पोस्ट कोड फोर जो जूनियर सुपरवाइजर की पोस्ट है मास्टर डिग्री फ्रॉम रिक्नाइज यूनिवर्सिटी इन इन हिंदी विद इंग्लिश एज ए कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट और द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन या फिर

एंड ऑर इक्व एग्जामिनेशन फ्रॉम द बोर्ड उसके बाद में विथ आई टी आई या फिर एन एस सी विथ टू ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट ट्रेड अगर आई टी आई तो यहाँ पे एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है एनएससी है तो है डिसिप्लिन या फिर बाकी का आपका वो भी चलेगा फॉर इलेक्ट्रिशियन आपका वैलिड लाइसेंस जरूरी है ओके okay. वही बात करेंगे अटेंडेंट ऑपरेटर की यहाँ पे भी एस एस सी उसके बाद में आई टी आई जरूरी है ओके okay. और फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते आई टी आई वाले भी फॉर ऑल द अबाउट पोस्टर क्वालिफिकेशन मस्ट बी एक्वाय थ्रू फुल टाइम पार्ट टाइम अगर आपका कुछ भी हुआ है नॉर्म्स होते हैं एस सी एस टी पांच ओबीसी तीन जनरल कैटेगरी दस ओबीसी के लिए तेरह पीडब्ल्यू डी ओके और पीडब्ल्यू डी जनरल के लिए दस ओबीसी के लिए तेरह पीडब्ल्यू डी एस सी एस टी के लिए पंद्रह जो हमेशा आपको रिलैक्सेशन मिलता है वैसा ही यहाँ पे

सीपी टेस्ट यानी कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी या फिर साइकोमेट्रिक अपने आपका डिपेंड करता है कि कौन से पोस्ट के लिए कर रहे हैं सो द रिटर्न टेस्ट विल बी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर पोस्ट कोड टू एंड एंड पेपर बेस्ड टेस्ट यानी यानी कि पीबीटी फॉर कि जो नॉन एग्जीक्यूटिव मेरे ख्याल से पोस्ट थे उनके लिए वहां पे दिया हुआ है ओके नॉन एग्जीक्यूटिव तो पेपर बेस्ड उनका होगा बाकी कंप्यूटर बेस्ड जो है वो बाकियों की होगी ओके okay, जो पीसी वन से लेकर पीसी फाइव द कैंडिडेट्सिंग द एक पूरा देखा जाएगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं बाकी डॉक्यूमेंट्स अच्छे से आप जो है वही वहां पे दिखाना और वही आप फॉर्म में फिलअप करो ओके सो द क्वेश्चन पेपर बुकलेट फॉर रिटर्न टेस्ट विल बी यस हिंदी एंड इंग्लिश सो दैट इज गुड आई आर रिजर्व द राइट टू कैंसिल विदड्रॉ वो सारी चीजें होती है क्वेश्चन पेपर या जो भी द्वेश्चन पेपर फॉर द रिटर्न टेस्टिस्ट ऑफ दिम्पली अभी पीसी वन पीसी फोर और पीसी फाइव के लिए यहाँ पे पीसी थ्री नहीं है डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे जो है सीबीटी का पैटर्न जो बता रहा हूँ वो तो ये जो है आपका आ, पोस्ट के लिए वो है ग्रेजुएट ट्रेनिंग फाइनेंस ग्रेजुएट ट्रेनिंग एच आर जूनियर सुपरवाइजर राजभाषा पर्सनल सेक्रेटरी और आपका पेपर वन जो रहेगा सब्जेक्ट नॉलेज एंड पेपर टू जो रहेगा वो उसमें आपका जी के जनरल एबिलिटी देन रीजनिंग एबिलिटी न्यूमेरिकल एबिलिटी इन जनरल इंग्लिश पचास और पचास सौ मार्क्स के लिए एक सौ बीस मिनट वही पी सी थ्री का जो बचा हुआ था सिंपली आपका जो यहाँ पे होगा एक मार्क्स का इसमें आपका जो पेपर वन में सेक्शन ए और सेक्शन बी होगा सेक्शन ए में आपका सब्जेक्ट नॉलेज वुड कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चन फॉर द बेसिक नॉलेज ऑफ जनरल इंजीनियरिंग जी जिसमें फिजिक्स या बाकी सारी चीजें हैं और सेक्शन भी उसमें होगा आपका स्पेसिफिक डिसिप्लिन जो भी अगर कोई इलेक्ट्रिकल कोई सिविल कोई मैकेनिकल कोई भी आप अप्लाई हो उसके हिसाब से और पेपर टू वही होगा जैसा आपका बाकी के लिए था ओके तो ये था आपका पीसी फाई तक अभी बात करेंगे जो बचा हुआ है पीसी 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 सॉरी उसके बारे में सो यहाँ पे पेपर बेस्ड यानी आपका मैनुअल वहां पे टेस्ट होगा कंप्यूटराइज़ नहीं इसके बारे में आपसे मैं बात करूंगा सो उससे पहले ये बता दूं कि नो निगेटिव मार्किंग कोई भी निगेटिव मार्किंग दोनों तीनों कोई भी एग्जाम कोई भी पोस्ट के लिए नहीं है सो so, आपका सब्जेक्ट नॉलेज जो है पेपर वन में पचास मार्क्स का और पेपर टू आपका अगेन सेम ही पैटर्न रहेगा सौ मार्क्स तो ये था आपका पूरा पैटर्न अभी सिलेक्शन कैसा होगा वो मैं आपको बता दू बेस्ड ऑन द मार्क्स टेन रिटर्न कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर द यानी कि स्केल ट्रेड जो भी होता है आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी या फिर साइकोमेट्रिक पहले तो ये बता दूं जो भी बच्चे उनको सेकंड लेवल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा ध्यान रखना आपका सेकेंड लेवल टेस्ट हमेशा क्वालिफाइंग ही रहेगा यहाँ पे स्किल टेस्ट ट्रेड टेस्ट या कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट या फिर साइकोमेट्रिक जो भी होंगे वो सिर्फ आपके क्वालिफाइंग होंगे मतलब उसके मार्क्स कंसिडर नहीं होते लेकिन पास करना जरूरी है इन द रेशो ऑफ वन बाय थ्री बाय फॉलोइंग रिजर्वेशन पॉलिसी सो so, आपको वन बाई थ्री के रेशियो के हिसाब से एक वैकेंसी होगी तो वहां जाएगा कैटेगरी वाइज भी जहाँ पे दस होंगी वहां पर हाउ वेर द कैंडिडेट्स नीड्स टू सिक्योर मार्क्स जैसे पेपर वन और पेपर टू था आपको दोनों में उतने मार्क्स लाने हैं जैसे की पीसी वन और पीसी टू का यहाँ पे बताया ओपन कैटेगरी के लिए दोनों में आपको 25-25 मार्क्स -25 जरूरी है देन एंड देन यू आर ओनली क्वालिफाइड यू आर ओनली एलिजिबल टू टू यस ब्रेक द कट ऑफ एस के लिए पीडब्ल्यू के लिए यहाँ पे तेईस और बाईस है वही पीसी फोर पीसी फाइव के लिए सभी कैटेगरीज के लिए पच्चीस और पच्चीस है पीसी थ्री के लिए फिफ्टी क्योंकि वो सौ मार्क्स का था और पेपर वन और ट्वेंटी फाइव आपका पेपर टू वही एस सी एस पीडब्ल्यूडी उसमें 45 फाइव और 22. टू सिक्स सेवन एट के बारे में बता दूं ओपन एस या फिर ओबीसी के लिए तो 25 और 25. वही पीसी का एस सी एस का 23 और 22.

फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑनटेन इन द रिटर्न टेस्ट तो मैंने आपको क्या बताया दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है आप जब सीबीटी या फिर paper -based test दोगे, उसमें आपको ज्यादा मार्क्स लाना जरूरी है क्योंकि उसी के ऊपर आपका selection होगा. Merit list जब आप qualify कर लोगे skill test या वगैरह, तभी. ओके okay, लेकिन आपके रिटर्न पे होगा सो लिस्ट विल बी बेसिस ऑन द रिटर्न टेस्ट सिंपल यहाँ पे रिटर्न टेस्ट के जो सेंटर्स दिए पीसी फाइव तक जो है वो आपके मुंबई पुणे त्रिवेंद्रम कोची भुवनेश्वर और कटक है वही जो 6 7 8 के लिए है। वो है भुवनेश्वर कटक त्रिवेंद्रम कोची चेन्नई और मदुरै एक दो ऐड हुए, एक दो जो माइनस है सो फॉर द पोस्ट कोड पीसी1 टू पीसी8 कैंडिडेट्स में ऑप्ट दो आपको टेस्ट सेंटर देने तो आपके नजदीक होंगे तो वो दे दो जो आपको आप लिखोगे टेस्ट सेंटर वहीं पे आपको मिलेगा ऐसा कुछ नहीं है वो सारी जगह पे तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं आपका जब मेरिट लिस्ट में आ जाएगा सारा आपका हो जाएगा और आपका मतलब सारी चीजें हो जाएगी तो आपको मेडिकल प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल देना पड़ेगा वो जो हर जगह पे होता है परमानेंट वैकेंसी है सो so, यस yes, आगे मैं बता दूं कि क्या क्या इनका ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट के टर्म एंड कंडीशन है वो भी जरूरी है सो कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट विद पोस्ट कोड पी सी वन टू पी सी थ्री विल बी एंगेज एज अ ट्रेनिंग एज पर द कंपनी पॉलिसी द कैंडिडेट शाल बी गोइंग टू थ्रू द ट्रेनिंग ओके जो एक साल का आपका स्टाइपेंड मिलेगा आपको सक्सेसफुल कंप्लीट करोगे सो दे विल बी एबसॉल्व एज एस वन ग्रेड ओके okay, ये जो बहुत अच्छी बात है कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट जो पीसी फोर पीसी फाइव के लिए होंगे शाल बी अपॉइंट डायरेक्टली एज एस, एस वन ग्रेड ओके okay, तो पीसी फोर पीसी फाइव डायरेक्टली आपको स्पेस स्केल पे ही मिलेगा वही छः सात आठ की बात करेंगे तो वापस एक साल का ट्रेनिंग जब आपका हो जाएगा W3 थ्री ग्रेड के हिसाब से आपका परमानेंट हो जाएगा ड्यूरिंग ऑलरेडी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया इन्वॉल्वमेंट और आ, सारी चीजें मैंने डिस्कस कर दी रहने का अकोमोडेशन का सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है मैंने आपको बता भी दी है अलाउंसेस सारे मिलेंगे आपको बाद में जब आपका स्केल ऑफ पे हो जाएगा तब तक आप ट्रेनिंग के टाइम पे आपको अलाउंसेस नहीं मिलते वेट लिस्ट फॉर कैंडिडेट सो रीजनेबल वेट लिस्ट विल बी प्रिपेयर एंड सेम विल बी वैलिड फॉर पीरियड ऑफ वन ईयर और टिल नोटिफाइंग ऑफ एनी सच रिक्रूटमेंट विच एवर So, अर्लियर, uh, जो फायदा है सो वेटिंग लिस्ट में भी अगर आपका नाम है तो एक साल के लिए नाम वैलिड रहेगा या फिर उनके रिक्रूटमेंट जो भी होंगे तब तक वो होगा यानी कि आपको अपॉर्चुनिटी कभी भी मिल सकता है सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड तो होता ही है प्लेस ऑफ पोस्टिंग सो सेलेक्टेड कैंडिडेट भी पोस्टेड इन एनी ऑफ दाइट्स ऑफ द कंपनी सो बी रेडी पी सी सिक्स पी सी सेवन और पी सी एट के लिए बता दूँ तो PC6 के लिए यहाँ पे जो ओरिसा स्टैंड कॉम्प्लेक्स उसके बाद PC7 जो है चकवा यूनिट केरला एनी अदर तो तमिलनाडु वगैरह में भी आपकी पोस्टिंग हुई है पी के हिसाब से एप्लीकेशन फी 472 नॉन रिफंडेबल ओके एंड ओनली जो है मतलब इंक्लूजिंग ऑफ uh, जो आपका जीएसटी के साथ है सो रिक्वायर टू पेड बाई द एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन करोगे तो आपको तभी पे करना है उसको ओके uh, okay. तो आप क्रेडिट डेबिट कार्ड या फिर ऑनलाइन पेमेंट से आप करवा सकते हो उसको एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी ई एस एम कैटेगरी जो वुमन्स को भी यहाँ पे जो है या फिर इंटरनल आप कैंडिडेट्स uh, होंगे ऑलरेडी तो आपको कोई भी फीस यहाँ पे नहीं एग्जेप्टेड आप होंगे हाउ टू अप्लाई सो लिंक आपसे मैं जो प्रोवाइड करने वाला हो दूसरी पहला लिंक आपको नोटिफिकेशन का होगा दूसरा लिंक होगा ये से आपको सीधा सेलेक्ट करना है आपको जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है मेट्रिकुलेशन साथ आपका नेम डेट ऑफ बर्थ ईमेल आईडी एंड ऑल पासवर्ड वगैरह सेट करो मोबाइल नंबर एंड यहाँ पे यस करके सबमिट करो और आपका रजिस्ट्रेशन जो हो जाएगा वहां से आपको आगे फॉर्म फिलअप करना है जो बेसिक चीजें मैंने बता दी मैंने डायरेक्टली आपको लिंक दे दी आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है सो हार्ड कॉपी कभी भी सेंड मत करो अभी जब आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा सिंपली उसको सेव करके रखो या प्रिंट निकाल के रखो अपने पास रखो आगे में काम आएगा जनरल का जो है कंडीशंस uh, वो तो ईमेल आईडी आपका मोबाइल नंबर सही होना चाहिए वैलिड होना चाहिए पेमेंट करना है तो ध्यान रखना है इंफॉर्मेशन होनी चाहिए आपके पास एजुकेशनल बैकग्राउंड वगैरह क्योंकि एग्रीगेट जरूरी है वो जरूरी है स्कैन कॉपी ऑफ फोटोग्राफ बीस से पचास के भी के अंदर फॉर्मेट वही साइन का जो है ब्लैक इंक पेन से करना 10 से केबी के अंदर वो होना चाहिए स्कैन कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स ये बहुत जरूरी है 10, ट्वेल्थ या एच या फिर डिप्लोमा डिग्री जो भी हुआ एस सी एस होगा तो बी सी होगा तो कास्ट सर्टिफिकेट सर्टिफिकेटीसी नॉन क्रिमिलियर तो ये सारी चीजें आपके जो रिलेटेड है कैटेगरी से वो सारी जरूरी यहाँ पे है ओके okay, उसके बाद में बात करेंगे जो है कुछ जनरल कंडीशन की तो सात तारीख लास्ट है ओनली इंडियन नेशनल्स विल बी नीड्स टू अप्लाई उसके बाद में आपका जो है ईमेल से ही सारे कॉन्टैक्ट्स वगैरह होंगे कुछ भी आपका ये रहा प्रॉब्लम तो आपका जो है कैंडिडेटचर कैंसिल हो सकता है मेरली मीटिंग द अबाव क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वी शाल नॉट इंटाइटल कैंडिडेट्स टू बी कॉल फॉर इट हाँ वो भी है कि रिटर्न टेस्ट वगैरह आपको आएगा तब आपको आगे की प्रोसीजर करनी तब तक आपको रुकना है लेकिन जो भी स्टडी चालू रखो ड्यू टू प्रिवेंट प्रिवेलेंट पैंडमिक सिचुएशन को भी कंडक्टेड सो ये ऑलरेडी बता बता चुका हूँ मैं ओके okay, uh, बाकी रिजर्वेशंस वगैरह आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेगी uh, जो ऐसे ही गवर्नमेंट के हिसाब से ओके okay, सो so मेरे ख्याल से अभी सारी जो इंफॉर्मेशन है मैंने आपको बता दी यस और एक चीज नॉन ए है आपको जो है रिटर्न टेस्ट के लिए पीबीटी या सीबीटी के लिए नहीं मिलेगा सो so, ये ध्यान रखिएगा जब भी आप अप्लाई करोगे मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन द दल क्वालिफिकेशन बी ऑफ ऑल अगेन मैं बता रहा हूँ फिर ईयर बेस होगा तो उस हिसाब से टू बी कैलकुलेट टेकिंग एवरेज ऑफ ऑल सेमिस्टर ईयर सो दैट इज इम्पॉर्टेंट और राउंडिंग ऑफ मत करना आपका अगर किसी इसमें फिफ्टी नाइन पॉइंट नाइनटी नाइन होगा तो वही लिखना है राउंडिंग ऑफ नहीं करना है, आप एलिजिबल नहीं रहोगे अगर उतने परसेंटेज आपके नहीं है जो भी uh, कैटेगरी के हिसाब से सिक्सटी या फिफ्टी परसेंट होगा आपके उसी के हिसाब से होनी चाहिए uh, जहाँ पे आपका सी जी पी है ओ जी पी है या फिर डी जी पी है और लेटर ग्रेड विल बी इन द डिग्री और डिप्लोमा फॉर्मेट इज़ अवार्डेड इक्वेलन परसेंटेज शुड बी इंडिकेटेड इन द एप्लीकेशन एज़ पर द नॉर्म्स जो भी इंस्टीट्यूट कॉलेज यूनिवर्सिटी के आपके होंगे सो so ये था पूरा नोटिफिकेशन ओके okay. मेरे ख्याल से सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी है बाकी दो लिंक मैंने आपसे शेयर किए पहला इसका नोटिफिकेशन का दूसरा अपला ऑनलाइन कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं आगे मैं बता रहा हूँ एंड ऐसे ही नोटिफिकेशन आते रहेंगे पूरे डिटेल में अगर कोई क्वेरी तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं तीसरा लिंक वो भी दे दूंगा मैं और चैनल को आपको करना पड़ेगा सब्सक्राइब ऐसे ही जो बहुत सारे वैकेंसीज है जो शायद से पता नहीं चलते उसके लिए और दोस्तों से शेयर करो अपने कि Uh, इस पर आपको हर दिन जो है वैकेंसीज प्राइवेट गवर्नमेंट टेक्निकल नॉन टेक्निकल सेक्टर सारे मिलते रहेंगे सब्सक्राइब शेयर लाइक करना मत भूलना और सबसे इंपॉर्टेंट हिट द आइकन क्योंकि जब वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए आप तुरंत फॉर्म भर के रेडी रहो ओके सो यस इन डिटेल सब बता दिया सो थैंक और ऑल द बेस्ट एंड स्टे टून एवरीवन